नमस्कार, आप देख रहे हैं द पॉलिसी टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रागिब। बंगाल की ग्रीन टच कंपनी जो कि एक चिट फंड कंपनी है, जिन्होंने भारत के अलग अलग स्टेट्स में अपने ब्रांच खोले, जहां से लोगों को बोला कि आप हमारे पास इन्वेस्ट करो, हम आपका पैसा 5 साल में डबल करके देंगे। लेकिन वही कंपनी आज लोगों के पैसे देने से मना कर रही है। भारत के अलग अलग लोग जो कि आज दिल्ली में आए हुए हैं सरकार से गुहार लगाने के लिए, जब हमने इनसे बात की, तो आइए जानते हैं इनका क्या कहना है इस पर। हम जिला कासन से आए हैं, उत्तर प्रदेश से, और हमारी मांगे हैं ग्रीन टच प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जो कंपनी है, जो डिवेंचर ऋण पत्र की कंपनी थी, जिसमें के ये कहा गया था सुरक्षित ऋण पत्र है, 5 वर्ष में धन दोगुना होता है। इस तरीके से CMD, डायरेक्टर, प्रमोटर्स और जनरल मैनेजर जैसे राजेश शर्मा हैं, नागेंद्र पाल सिंह जी हैं, जितेंद्र पाल सिंह हैं एटा से, इन्होंने हमें बताया था कि इस तरीके से ये कंपनी बहुत ही सुरक्षित है और ऋण पत्र में पैसा पूर्ण रूप से सुरक्षित होता है। बैंक में जाकर के भी उन लोगों ने हमें बताया था कि बैंक वालों ने भी ये कहा सुरक्षित ऋण पत्र में पैसा किसी भी कीमत पर डूबता नहीं है, ये पूरी तरीके से सिक्योर है। उस कंडीशन में हम लोगों ने अपना पैसा लगाया और समय पूर्ण होने के बावजूद भी आज 2 से 3 वर्ष तक हो गए, लेकिन हमारा पैसे का भुगतान नहीं किया। सर, करिए हमारा 100 करोड़ रुपए यहाँ पर जितने भी लोग आए सबका ओवरऑल मिला के 100 करोड़ रुपए होता है और ज्यादा भी। सर, कंपनी ने ये कहा था कि हमें सेबी से नोटिस दिया हुआ है, सेबी ने कि हमारे लिए 6 महीने का समय दिया हुआ है और उसको नोटिफिकेशन निकाल दिया पेपरों में, 31 जनवरी तक का समय था कि उस समय तक हम अपना पैसा का पेमेंट का भुगतान शुरू कर देंगे। लेकिन आज हेड ऑफिस बंद कर दिया है, सारे ऑल ओवर इंडिया के ब्रांचेज बंद हैं और निवेशक लोग चक्कर काट रहे हैं, परेशान हैं, किसी भी तरीके से कोई भी वो नहीं हो पा रहा है। पेपर सारे हैं आप लोगों के पास? जी एविडेंस, हाँ सर, एविडेंस सरकार के पास गए या नहीं इस बारे में? जी सर, आज हमने उसे लिखे हुए पत्र भी दिए हुए हैं, 1 मार्च को ऑल ओवर इंडिया में कम से कम 1 लाख से ऊपर खून से लिखे हुए पत्र प्रधानमंत्री के नाम हमने ज्ञापन दिया DM के माध्यम से, और अब तक कोई भी शासन प्रशासन से कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है। और हमारा ये कहना है कि जो विभाग सरकार ने बनाए हैं और जिनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन विभागों को भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए हम लोगों के पैसे की जिम्मेदारी ले और उस पैसे को मैं लाभ के उसको हमारे लिए वापस कराया जाए, जिससे कि हम लोगों ने जिस कंडीशन के लिए किसी ने शादी के लिए, किसी ने ज़मीन खरीदने के लिए या किसी भी काम के लिए जो पैसा एकत्रित किया था अपनी मेहनत की कमाई का, और वो पैसा आज हम लोगों के लिए नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम अपनी इस सिचुएशन पर आत्महत्या तक करने के कगार पर। मेरा 25 लाख रुपये मेरा खुद का है अपना। आपका? सर, मेरा मतलब 20 लाख। अगर आप लोग जानते हैं कि चीट फंड कंपनी जो होती है वो ज़्यादातर पैसे लेके भागी जाती है, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ेगी कि आप लोगों को पैसे? हमें जो बताया गया था, जब हमें बैंक बता रही है कि ऋण पत्र सुरक्षित होता है, बैंक का नाम PNB बताया था, SBI ने बताया था, IDBI और इलाहाबाद बैंक ने भी बताया था, हमें बताया कि ऋण पत्र पूरी तरीके सुरक्षित होता है। जब DM तक ये कहता है कि हाँ ये सही है, तो फिर हम लोगों को करने में क्या प्रॉब्लम है? पेपर में भी निकाला जाता था कि टाटा ने भी भाई डिबेंचर निकाला है, और जो कॉमर्स की बुक्स है उसमें ऋण पत्र पढ़ाया जाता है, तो ऋण पत्र पूर्ण रूप से सुरक्षित होता है, सिक्योर डिबेंचर होता है, फिर क्या मतलब हो गया कि आज हमारा पैसा नहीं मिल पा रहा है? फिर शासन प्रशासन या विभाग क्यों कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? क्यों सरकारें इनको संरक्षण दे रही हैं? नॉन वेवेबल वारंट हैं, गैर जमानती वारंट हैं, उसके बावजूद ही इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, क्या रीजन है? ममता सरकार क्यों नहीं कर पा रही है इस कंडीशन के लिए? यदि इसका 31 मार्च तक कोई भी समाधान नहीं होता है, तो हम 1 अप्रैल 2019 को आत्महत्या करने के लिए अपने अपने जिला मुख्यालयों पे, जहाँ पे भी बड़े बड़े टावर होंगे या पानी की टंकी होंगी या ऊंची बिल्डिंगें होंगी, वहाँ से हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे। किसी भी काम के लायक नहीं रहे हम, हमारा अपना मेहनत का पैसा है, वो हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो हम क्या करें अपने बच्चों के लिए? अब हमने इस पे काम किया था कि हमारी कंपनी ठीक है और हमने अच्छा पैसा दिया, लेकिन अब जब हम पैसा लेने आए या हम मजबूर हो गए, तो आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन हम आपके माध्यम से मतलब गवर्नमेंट को मैं कहना चाहते हैं कि अगर हमारा पैसा नहीं दिया तो हमारा जितना कैंडिडेट है, तो पैसा है तो वोट है, और वोट नहीं तो सीधी बात है। हाँ जी सर, हम लोगों का जो पैसा लगा है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर था, जो कि जिसके लिए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बंधक रखती है, प्रॉपर्टी बंधक रखने के बाद भी आज हम लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। अब इसके लिए हम लोग 1 अप्रैल से जो भी समझ में आएगा वो करेंगे।
मजबूर होंगे। आज भी आप लोगों की बंधक है प्रॉपर्टी, आज भी गवर्नमेंट के पास बंधक है प्रॉपर्टी, आरओसी में बंधक है, कंपनी में बंधक है, गवर्नमेंट के पास 168 करोड़ की प्रॉपर्टी आरओसी में बंधक है, फिर क्यों हमारा पैसा नहीं वापस हो पा रहा है, इसका रीजन क्या है, विभाग क्या कर रहे हैं, विभागों की जिम्मेवारी क्या है, क्यों लाइसेंस देते हैं और फिर क्यों पैसा नहीं दिया जाता है, उसके लिए जनता की कहां कमी है, जनता ने क्या गुनाह कर दिया जो आज उसका पैसा नहीं मिल पा रहा है। यदि सरकार विभागों को नहीं चला पा रही है तो उनको लाइसेंस देती क्यों है कंपनियों बनाने के लिए, और कंपनियों को ऋण पत्र के माध्यम से पैसा क्यों उठवाया जाता है। हमने कई सारे वकीलों से, कई बार चार्टेड अकाउंट से मैंने पेपर दिखा करके देखा, सबने सबको सही बताया, उसके बाद भी हम लोग परेशान हैं, तो इसके लिए सीधे सरकार ही दोषी है। कंपनी ने सोची समझी रणनीति के तहत ये सब किया है, बोली वाली जनता को ठगाया और करोड़ों रुपया काफी है, 100 करोड़ नहीं है, 11 करोड़ है, बहुत काफी है, करोड़ों में, करोड़ों में ठगी की है और सोची समझी रणनीति के तहत 90 करोड़ है, मेरे बिहार से 80-90 करोड़ का है, मेरा खुद का लाइबिलिटी 25 लाख है, सेल्फ निवेश किए था, एक एक लोगों का 20-25 लाख रुपए इंडिविजुअल लगा हुआ है सर। ये पश्चिम बंगाल से कंपनी है, कोलकाता से, तो इसमें जो पुलिस कमिश्नर थे राजीव, उनका आपको मैटर पता ही होगा, वो इस मामले में भी हमारे में भी इन्वॉल्व हैं, तो इसी वजह से इन लोगों को इन्फॉर्म पहुंच जाती है, कोई भी पुलिस पहुंचती है किसी भी स्टेट की तो इन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि बाहर की पुलिस आ रही है, आप वहां से हट जाइएगा, और आज ये निश्चिंत होकर के घूम रहे हैं और हम लोगों का पैसा दिल्ली आप लोग आ जाएं। जी हाँ, अगर मान लीजिए कि अगर सरकार आप लोगों की बात आज नहीं सुनती है, कोई भी कार्रवाई नहीं करती, तो फिर आगे आप लोग क्या करें? सर स्टेप हमारा पहला ये है कि 1 मार्च को जो हमने डिसीजन लिया है सभी लोगों ने, अगर 1 अप्रैल सॉरी है ना, तो हमको जो हमने लिया है या मतलब फांसी लगाना या ऊपर चढ़ के मतलब गिरना जैसे सुसाइड करना, हाँ हमने जो किया है उसको हम पूरा करेंगे सर, और जो हमारा पैसा है जो इन्वेस्ट हमने किया है हमारा मतलब जो लेके वो हमारा वापस दिया जाए।